Namaskar. Hello everyone. Myself Dr. Sujit Gupta, MD, Interventional Pulmonologist, joining Desun Hospital Siliguri. आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ ताकि मैं रेस्पिरेटरी के कुछ डिजीज के बारे में आपसे बात करूँ और उसके बारे में, उसके प्रोग्रेस के बारे में, उसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में आपसे डिस्कस कर सकूँ। आज हम अस्थमा के बारे में बात करेंगे। अस्थमा आजकल एक बहुत ही कॉमन एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसमें श्वास में प्रॉब्लम हो जाती है, साथ ही साथ श्वास लेने के दिक्कत के साथ साथ सीटी जैसी आवाज़ आना, छाती में भारीपन लगना और खांसी के साथ साथ समय और क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ साथ ये दिक्कत रहती है। ये एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों के कारण हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अस्थमा एक बहुत ही आजकल एक कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, बट ज़्यादातर पेशेंट्स अपने इस सिम्टम्स को अवॉइड करते हैं, जो बाद में जाके ये सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ एग्रीविकेशन, जो सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं उसके कारण अस्थमा और आगे जाके एक भयानक रूप ले लेता है। पेशेंट्स डरते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट से और अस्थमा से, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सही समय पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो जो सिम्टम्स एग्रीवेट हो रहे हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने रेस्पिरेटरी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। इस सिम्टम्स के साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको अवॉइड बिल्कुल ना करें, क्योंकि आगे जाके श्वास की जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सिलीगुड़ी के सभी अपने पेशेंट से कि आप डिसन हॉस्पिटल सिलीगुड़ी आएँ। मैं यहाँ पे ऐसे पल्मोनोलॉजिस्ट आपकी सेवा करूँगा। ना ही अस्थमा, COPD, ILD, ट्यूबरक्लोसिस, कोविड से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं या पोस्ट कोविड कोई आपको कॉम्प्लिकेशंस है तो आप डिसन हॉस्पिटल सिलीगुड़ी जरूर आएँ। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा और आपके समस्या को समझूँगा और उसका समाधान करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।